वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइट इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपने टॉपिक से, अपने चैनल से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड थोड़ा हट के बोलने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किया टॉपिक की बात खींचता हूँ मैं। तो जितने भी मेरे भाइयों और बहनों हैं, तो यहाँ पर अभी कुछ ना कुछ यहाँ पर हमें दिक्कत हो रही है, पूरे देश को, पूरे इंडिया को, सारे देश को होने वाली है, और आगे जाके सबको भी ये प्रॉब्लम इशू होगी ही अगर हमने सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं लिया तो। और वो इशू क्या है? वाटर इशू, पानी की समस्या, पीने के पानी की समस्या, और बहुत से समस्या का हमें जूझना पड़ेगा। अगर अभी सही टाइम पे हमने डिसीजन नहीं लिया तो हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम लोग थोड़ा सा ध्यान देके यूज़ करें तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर टॉपिक जो मेन मुद्दा है वो बात खींचता हूँ मैं, ज़्यादा इधर की बात ही नहीं करूँगा, घुमा फिरा के सीधे सीधे बात। आप लोग जैसे कि इमेज में देख सकते हो, कई सारे लोग पानी के लिए झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं सिर्फ पानी के लिए। ऐसे कुछ भी अभी भी बहुत से ऐसे महाराष्ट्र के बोलो, तमिलनाडु, और ऐसे कई सारे स्टेट है जहाँ पर पानी की इशू है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग प्लीज़ हो सके अपने पास का जो पानी है उसे सेव करके रखें, और सही इस तरीके से और सही चीज़ के लिए इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी मिसयूज़ ना करें। जैसे कि आप देख रहे हो इमेज में, यहाँ पर कुएं से पानी, कुएं में पानी नहीं है, कुएं से पानी निकाल रहे हैं और कुएं में पानी भरा जा रहा है। उसके बाद दूसरे यहाँ पर इमेज में, यहाँ पर कितने सारे लोग पाइप दे रहे हैं हमने घर में पानी भरने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग मैक्सिमम हो सके उतना पीने के पानी का ही थोड़ा सा सोच समझ के इस्तेमाल करें, पीने का पानी जो है पीने के लिए यूज़ करें, ना कि बाकी चीज़ों के लिए। तो बाकी चीज़ों के लिए आपको पानी यूज़ करना है तो आप कुएं से, या फिर हैंडपम्प से, या फिर बोरवेल से, या फिर आप दूसरी चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर वाटर टैंक दिख रहा है, तो वाटर टैंक का इस्तेमाल आप लोग दूसरे कामों के लिए, जो पानी का पानी है उसका आप दूसरे कामों के लिए यूज़ कर सकते हो। तो पीने के पानी के लिए स्पेशली, खास करके पीने का पानी सिर्फ पीने के लिए भरो, बाकी कामों के लिए नहीं। दूसरों को मौका दो पानी भरने का। और जैसे कि आप देख रहे हो इमेजेस में कितनी बड़ी यहाँ पे लाइन लगी हुई है। तो पानी का इशू बहुत बड़ा इशू हो गया है हमारे इंडिया में, और बाकी कंट्रीज़ में भी होगा ही। तो हो सके उतना पानी बचाओ और सही यूज़ करो। और यहाँ पे जैसे देख सकते हो इमेजेस में कितने सारे लोग लाइन में दिन भर से लेके कितने दिनों तक, कितने दूर दूर से, किलोमीटर से पानी भरने के लिए आते हैं। बिहार हो गया, या बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर अभी भी पानी की समस्या है, और जहाँ पर नहीं होगी, जैसे एग्जांपल 24 घंटे पानी आ रहा होगा, तो ऐसे जगह पे अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा निभाओ। अपने स्कूल कॉलेजेस में वहाँ पर देखो, वहाँ पर नल वगैरह चालू होंगे, हर कॉलेज में ये होता ही है। तो वहाँ पर जाओ और नल बंद करो, जहाँ पर जितना भी पानी होगा सबको बंद करो और सेव करने की कोशिश करो। कोई करे ना करे, खुद करो। कोई करे ना करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको करना चाहिए। आप क्या, मैं भी करूँगा। मैं तो हमेशा करते रहता हूँ, जब भी दिखता हूँ बंद कर देता हूँ। अदरवाइज़ किसी को बता देते कि भाई वो वहाँ पे नल टूटा पड़ा, या फिर कोई भी रिपेयर कर दो, तो वहाँ पे वो मैं बता दो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं निभा लेता हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, क्योंकि आपके वजह से अगर थोड़ा सा भी पानी बचता है तो वो थोड़ा सा पानी किसी और के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। चाहे वो एक गिलास हो, चाहे वो एक मग हो, या चाहे वो एक बकेट हो। अभी अक्सर हम लोग गार्डन वगैरह में जाते हैं, मैं तो नहीं जाता, लेकिन कुछ लोग जाते होंगे। अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे, या कोई भी होगा, कोई भी बुज़ुर्ग आदमी घर का कोई भी सदस्य, तो वहाँ पे जाता है। तो अगर वहाँ पे कोई टूटा फूटा नल दिखता है तो प्लीज़ उसको रिपेयर करने के लिए कहे, और जो भी उसे पानी अगर लीक हो रहा होगा तो उसे तुरंत के तुरंत, जैसे ही आप लोग देखते हो जब के तब, उसे रिपेयर करने की कोशिश करें। या फिर उसके नीचे कुछ फिल्टर लगा दे, बकेट लगा दे, या कुछ और चीज़ का यूज़ करें और उस पानी को बचाए, और वो पानी किसी और के लिए काम आ सकता है, ज़रूरतमंद के काम आ सकता है। तो और बहुत सी चीज़ों के लिए मैं टिप देना चाहूँगा। कम से कम टाइम में आप लोग नहाते हो, या फिर कोई भी पानी यूज़ करते हो नॉर्मली, तो वहाँ पर आप शॉवर का यूज़ ना करें। आप एक बकेट ले लीजिए, आधा बकेट या फिर एक बकेट, आपके ज़रूरत के हिसाब से पानी का यूज़ कीजिए, और मग का इस्तेमाल कीजिए। आप लोग बकेट का इस्तेमाल कीजिए, वो सही रहेगा। शॉवर का इस्तेमाल मत कीजिए, शॉवर में बहुत सारा पानी वेस्ट होता है, मतलब कंटिन्यूसली बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है। तो एक बकेट से भी कई गुना ज़्यादा पानी हम लोग यूज़ कर लेते हैं अनजाने में। तो अभी आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा यूज़ करो अपने फ्लैट में, सोसाइटी में, सबको बताओ कि जो पानी है उसका आधा या एक बकेट पानी का यूज़ करो नहाते समय स्पेशली, और बाकी चीज़ों के भी एक बकेट पानी, या पोछा मारने, या फिर आपको फर्श साफ़ करनी है, या कोई भी चीज़ साफ़ करनी है, तो थोड़ा सा पानी का एक चीज़ में भर ले, उसके बाद में यूज़ करें। आप लोग, मैं कई सारे, मैं अपने आसपास के एरिया में देखा हूँ, आपको वीडियो शेयर करूँगा मैं कल। तो कई सारे लोग क्या करते हैं, पाइप लेते हैं कुएं से, या जो भी मशीन से पाइप टच कर देते हैं और कार धोते हैं। तो ये बहुत गलत तरीका है। मतलब पानी का एक बकेट में भर लो, बकेट से
कार वॉश करो या जो भी आपको करना है वो एक बकेट में भर के या फिर जो भी आपको चीज़ भरनी है उस भर के उसको करो, डायरेक्टली पाइप भर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं और पाइप से धोते रहते कार। तो ये चीज़ मुझे बहुत बहुत ज़्यादा गलत लगती है। तो मेरे हिसाब से आप लोग को, जो भी मेरे भाई छोटे भाई बहन है, अगर ये वीडियो देख रहे होंगे प्लीज़ देखना ज़रूर और शेयर करना। और आप लोग के आसपास कोई भी सोसाइटी में या मोहल्ले में वहाँ पर जो भी आपको कार धोता हुआ दिख रहा है तो उसे बोलो कि एक बकेट में पानी भरे और बकेट में का पानी यूज़ करे कार धोने के लिए, जिससे अब पानी भी बचेगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और बकेट का जो पानी है वो भी बचेगा, बकेट के अंदर का जो भी होगा वो तो पानी और ज़्यादा से होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स होगा। उसके बाद में आप लोगों ने कई सारे जगह पे देखेंगे, अपने घर में भी, बाहर में, मोहल्ले में भी, वहाँ पर कई सारे पानी भरते समय औरतों की आदत होती है, खास करके स्पेशली वुमेंस पानी भरते भरते अचानक चार महिलाओं में बातें करना शुरू कर देते हैं। तो बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, नल बकेट लगा रहते हैं नल के नीचे, तो वहाँ पर कई सारा पानी वेस्ट होता है। तो वो कोशिश करें कि वो बकेट जो लगाया आपने उसकी तरफ ध्यान रखें और जैसे ही बकेट भर गई तुरंत नल को बंद करें या फिर बकेट को चेंज कर दे, दूसरा बकेट, खाली वाला बकेट वहाँ पर लगा दे। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा थोड़ा पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है ज़रूरतमंद के लिए। तो कोशिश करें कि मैक्सिमम आप लोग बकेट से पानी भरने के बाद उसे बंद कर दे या फिर उसके दूसरे खाली बकेट लगा दे या कोई और पानी भर रहा होगा तो उसे चांस दे पानी भरने का। और ख़ास तौर पर बरसात के दिन में अगर आपके पास पानी आता है, ज़्यादा आता है सोसाइटी में या फिर आता है एक्स्ट्रा का, तो उसे भी सेव करके रखें और ऐसी जगह पे रखें जहाँ के उसके अंदर मच्छर या कीड़े ना हो, ताकि वो पानी जो है और अदर काम के लिए यूज़ हो जाए, खास करके बरसात के दिनों में। और अभी गर्मी के दिनों में कई सारे शादी फंक्शन रिसेप्शन होते हैं तो उनमें भी इस टाइप के पानी का यूज़ किया जाता है, ऐसे क्या बोलते से पानी के वाटर टैंक, तो इसका भी यूज़ किया जाता है। तो इसका भी सही तरीके से इस्तेमाल करें, अगर आप किसी शादी फंक्शन में जाने वाले तो उसका मिसयूज़ ना करें। मैंने कई बार देखा है लोग क्या करते हैं, आते हैं चालू करते थे छोड़ जाते हैं, हाथ धो लेते हैं, पानी पी लेते, छोड़ देते हैं, तो ऐसे बिल्कुल भी ना करें। अगर आप चालू कर रहे हो तो उसे बिल्कुल अपने ज़िम्मेदारी के साथ बंद करें और कोई और मिसयूज़ ना करें, कोई उसका गलत तरीके से अगर यूज़ कर रहा है तो उसे डांटे, उसे समझाए कि पानी का बेटा गलत इस्तेमाल ना करे, इसे सही सही बंद करो, या फिर अगर टूट गया या कुछ हो गया हो तो उसे खाली कर दे या फिर दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर दे, ट्रांसफ़र कर दे। गार्डन में कभी आप देख रहे होंगे तो पानी आसपास नल या चालू होगा तो उसे भी खाली बकेट लगा के उसे बंद कर दे या फिर बंद करके पूरी कोशिश करें, या कोई बड़ा या फिर वापस सिक्योरिटी या मेंटेनेंस वाला जो भी पर्सन या बंदा होगा उसे बताए कि यहाँ पे पानी बह रहा है तो बंद कर दे तुरंत और खाली बकेट लाने की कोशिश करें। और बकेट भरने के बाद खास तौर पर नल या जो भी पाइप होगा या पानी कुएँ का पानी हो गया, कोई भी पानी हो, तुरंत यूज़ होने के बाद बंद करें, उसे ओवरफ्लो ना होने दें। आपके बाथरूम में नल कपड़े धोते समय या फिर बर्तन धोते समय कई बार ऐसे मेंस खास करके ब्रश वगैरह करते हैं तो ब्रश करते रहते करते नल चालू छोड़ देते हैं, वो सब पानी वेस्ट होता है। मैं कई बार देखा हूँ टीवी में भी ऐड दिखाते हैं, तो वो मैक्सिमम कोशिश करो कि आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें। एक बकेट में एक मग में पानी ले, उसका सही यूज़ करें। आप चाहे दाढ़ी कर रहे हो, चाहे ब्रश कर रहे हो, चाहे आप फेस धो रहे हो, चाहे आप फेस वॉश कर रहे हो, चाहे वो दाढ़ी कर रहे हो, चाहे वो आप नहाने क्यों नहीं गए, उसमें एक बकेट का इस्तेमाल करें, एक कंटेनर का इस्तेमाल करें, उसमें पानी भर ले और ज़रूरत के हिसाब से पानी का यूज़ करें, मिसयूज़ ना करें, ओवरफ्लो ना होने दे और पानी को बिल्कुल भी वेस्ट ना होने दे, खास तौर पर अपने आसपास के एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं। प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें, अपने आसपास के एरिया में चेक कीजिए, जहाँ भी आपको पानी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट नल होगा या फिर कहीं भी पब्लिक प्लेस में हो सके तो नल को बंद कीजिए या रिपेयर कीजिए और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश कीजिए। कई सारे ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर अभी भी पानी नहीं है, लोग पानी के लिए झगड़ रहे, जूझ रहे, कई कई किलोमीटर दूसरे शहरों में, गांवों में जाके पानी लेकर आ रहे हैं, तो ऐसे में हमारी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग उस पानी को बचाएं। और बाथ टब का तो बिल्कुल भी यूज़ ना करें, इसमें सबसे ज़्यादा पानी वेस्ट होता है, तो प्लीज़ इसका हो सके तो अवॉइड कीजिए, एक बकेट में ही यूज़ कीजिए। और मग का तो आपको पता ही है, मग यूज़ करो मैक्सिमम। और पीने का पानी खास तौर पे बर्तन के चीज़ में इस्तेमाल करो, गलती से बाय चांस गिर भी जाता है तो बर्तन भी टूटेगा और पानी भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। कांच के ग्लास में करोगे तो ग्लास का ग्लास टूटेगा और पानी भी वेस्ट होगा, तो थोड़ा सा सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए। और स्कूल कॉलेज में अगर आप जाते हो पानी के बॉटल लेके, तो उसमें अगर पानी बचता है तो उसका सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, मुँह धोने के लिए वगैरह रिसाइकल कीजिए वापस से, उसी पानी को फेंके ना, ठीक है। अगर आप डालना ही चाहते हो तो पेड़ पौधे में डाल दो, रोड या नाली में ना फेंके। कार वॉश के लिए तो खास तौर पे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक ग्लास में या बाल्टी में ले लीजिए पानी, उसके बाद में उसको यूज़ कीजिए जहाँ भी आपको यूज़ करना है वहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा टॉपिक और मेरा जो बात है, जो मेरा
टारगेट है जो जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा था वो आपको समझ में आ गया होगा और आप इसी वीडियो को बाकी लोगों तक शेयर कर देंगे। होप आई एक्सपेक्टेशन कि आप जो भी मेरे फैंस हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को अपने मम्मी पापा के साथ शेयर करें, बाकी सोसाइटी वाले अपने फ्रेंड्स और बाकी क्लासमेट्स के साथ शेयर करेंगे। तो प्लीज़ लगे चेंजेस का मैं थैंक यू एंड पानी सबकी बचत, पानी की बचत आज की ज़रूरत। स्क्रीनशॉट पढ़ लो, कुछ काम आएगा। मत करो मुझको बर्बाद इतना न तुमको याद, प्यार से तुम रह जाओगे, सॉरी पैसे तुम रह जाओगे, मेरे बिना जी न पाओगे। चलो आज के लिए बस इतना ही। तो इस वीडियो को शेयर कर देना, शेयर करना मत भूलना क्योंकि आजकल बहुत पानी वेस्ट हो रहा है आसपास। देखो अपने आसपास, थोड़ा सतर्क रहो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान रहो, चाहे वो किसी का भी पानी हो, किसी के बाप का पानी नहीं है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओ और बंद करो उसे आज से। थैंक यू, सेव द वाटर।